मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मोहन बड़ोदिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमर सिंह बकानी के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं एवं मुख्य फसल सोयाबीन के भाव 6000 को लेकर व प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजब सिंह जी पवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार जी कराडा, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मोती सिंह जी कराडा, जनपद अध्यक्ष शरद जी शिववहरे, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद नागर जी, जिला पंचायत सदस्य लोकेंद्र सिंह जी आरोलिया, जनपद सदस्य सीताराम गुर्जर जी, जुगल किशोर पंचोली जी, कुमेर सिंह जी लिसुलदिया, मांगू सिंह जी डोकरगांव, वीरेंद्र सिंह जी दुपाड़ा, राजेंद्र सिंह नागझिरी, हुकम सिंह बडोनी, अवधेश अम्बावतिया, भूपेंद्र जाट, बहादुर सिंह पचोर, महेश पाटीदार कुमारिया सरपंच, सरफराज लाला सरपंच, धन डेरा पुरुषोत्तम चौहान आदि कांग्रेस जन उपस्थित हुए। शाजापुर मोहन बड़ोदिया से SB न्यूज संवाददाता संजय राठौर की खास रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी मैदान में इस बात को लेकर किसानों के हित की लड़ाई करने के लिए पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। उसी कर्तव्य में आज मोहन बड़ोदिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किसानों की लड़ाई के लिए आज धरना आयोजित किया है। आदरणीय साथियों, आज का धरना मुख्य रूप से किसानों की मांगों पर आधारित है। आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अजब सिंह जी पवार का मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नरेश्वर प्रताप सिंह जी, मेरे अनुरोध